Hello everyone, this is your drawing period again. So, open your perfect creative art and crafts, page number 10. पेपर पेन व्हील। आज हम सीखेंगे बच्चों पेपर पेन व्हील बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए पहले इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सीजर्स, एक वाइट पेपर अगर वाइट पेपर हो, या कलरफुल भी हो सकता है। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप इसको कलर करके कलरफुल भी बना सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले बोर्ड पे समझते हैं। देखिए एक पेपर हमें इस तरह से स्क्वायर वाला चाहिए। और ये हमारे पास पेपर है, इसे हमें कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर इस तरह, देखिए इस तरह से हमने फोल्ड किया, थोड़ा सा प्रेस कर दिया। ये वन टाइम हमने फोल्ड किया है। इसी तरह इस कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर सेकेंड टाइम फोल्ड कर दिया हमने। अब हमारा ये एक्स्ट्रा पेपर बचा है, इसे हम कट करेंगे। बच्चों अभी आप छोटे हैं इसलिए सीजर्स का यूज आप अकेले ना करें, अपने पेरेंट्स के साथ करें, अपनी मम्मा या दीदी भैया किसी से भी करवा सकते हैं आप। ये देखिए अब हमारा जो पेपर है वो स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए जो हमने ये फोल्ड किया था तो इसमें ये लाइंस बन गई हैं, ये दिखाई दे रही है आपको। इस लाइंस पे बच्चों हम यहाँ डॉट लगा देंगे इस तरह से। इतना पेपर हमें कट करना है जहाँ तक डॉट लगे हैं। अगर आपको डॉट लगाने में प्रॉब्लम है तो इसे अगेन फोल्ड कीजिए। जहाँ हमने एक डॉट लगाया है उसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करके प्रेस कर देंगे। ये देखिए अब जब हम ओपन करेंगे इसे तो ये हमारे जो डॉट हैं वो बिल्कुल इक्वल लगेंगे। अभी जो डॉट लगे हैं बच्चों इतना हम इसे कट करेंगे आराम से डॉट तक। कर लिया, एक साइड हो गई। ये देखिए ये हो गया। ये हमें इसे चारों कोने काटने हैं, फोर साइड कट करनी है। ये बनके बहुत सुंदर लगने वाली है। ये हो गई कट। अब ये देखिए इस तरह से हमारी ये साइड कट हो गई। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। किस तरह से, देखिए ये जो साइड एक कोना लेंगे हम इसका और यहाँ फोल्ड करेंगे। फिर जो ये इसका दूसरा कोना है इसे हमें नहीं फोल्ड करना है, हम नेक्स्ट वाला लेंगे इस तरह से। फिर हमें ये वाला छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट वाला लेना है इस तरह से। फिर हमें ये छोड़ देना है, इस तरह से लेना है। एक बार फिर से करते हैं। इसमें फेविकोल की जरूरत पड़ेगी आपको, एक एक सेंटर में छोटा सा पॉइंट फेविकोल कर लीजिए। अब उससे हम एक कॉर्नर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए फेविकोल सूखने में टाइम लगता है बच्चों।
तो उसको थोड़ा सा फिंगर से प्रेस करना है। ये हो गया हमारा। अब हम इसका ये वाला साइड लेंगे, इसे थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा हमें। अब इसका हम ये वाला साइड लेंगे, एक साइड लेनी है और एक छोड़ देनी है। अब हमने इसका एक ये साइड भी ले लिया, ओके। अब जब तक फेविकोल नहीं सूखता है तब तक हम इसे थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे, या इस पे कुछ रेप भी रख सकते हैं आप। ये अब ये पेपर वाइट है, अगर कलरफुल होता तो और ज्यादा सुंदर लगती, इस तरह से बनेगी। अब इसमें हम एक टूथपिक भी लगा सकते हैं, या फिर कोई छोटा सा तार या स्टिक लगा सकते हैं, और इसको हम यहाँ से लगा के यहाँ पे थोड़ा सा फेविकोल से पेस्ट कर देंगे। तो फिर क्या होगा, ये ऐसे करके राउंड राउंड घूमेगी और ये बहुत सुंदर लगेगी। बनी बच्चों, देखा आपने किस तरह से बनी है ये। तो ये है हमारी पिन बिन। ये पिन बिन जो है हवा में राउंड 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 घूमती है। अब देखिए इसमें हमारी बुक में भी दिया हुआ है, ये देखिए ये बुक में दिया हुआ है। इसे हम इसमें आप कलर करेंगे, कोई भी आपका जो फेवरेट कलर है वो भी कर सकते हैं आप, क्रेयॉन कलर इस तरह से। दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए। अब इसमें हम ग्रीन कलर, बच्चों सबसे पहले कलर जब हम करते हैं तो उसकी आउटलाइन में इस तरह से करें, ताकि आपका जो कलर है वो बाहर ना निकले। इस तरह से आप जब कलर करेंगे अब उसका अंदर फिल कर सकते हैं, ताकि ये बाहर ना निकले। इस तरह से आप कलरिंग करेंगे। पिन व्हील बनाना बेटा आपने सीखा, एक पेपर को कट करके, पर जब आप पेपर कट करेंगे तब मम्मा की हेल्प लेंगे या दीदी की हेल्प लेंगे, क्योंकि सीजर से आपको चोट भी लग सकती है। ये देखिए इसी तरह से इसमें हम ऑरेंज, एक कलर भी आप कर सकते हैं, ओनली वन कलर भी यूज़ कर सकते हैं सारे में, और अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरह। ये आउटलाइन बना लेते हैं हम। इस तरह से बच्चों इसमें अब हम एक स्काई ब्लू कलर के, सीखा आपने पेपर कट करके यहाँ पे, देखिए स्टेप बाय स्टेप ये भी दिया हुआ है हमें कि एक हमने स्क्वायर पेपर लिया, उसको इस तरह से कट किया है, और इसके देखिए
ये कॉर्नर्स कैसे फोल्ड किए हैं ये अभी मैंने आपको बताया है। उसमें आप पीछे एक स्टिक लगा सकते हैं तो ये आपकी बन जाएगी पिन भी। अच्छी बनी है ना, कलरफुल। थैंक यू।